इंतजार न्यूज मैं आपके साथ है। तो चलते हैं खबर की। भू माफिया के आगे नतमस्तक हुए किसान। पूरा मामला पिल्हौर तहसील के अंतर्गत महाराजपुर ग्राम सभा रिक्कीपुरवा का है, जहां पर भू माफिया किसानों की जमीन से मिट्टी खनन करने का काम कर रहे हैं। परमिशन 1.5 हेक्टेयर की कराते हैं और खनन करते हैं 5 हेक्टेयर, जिसका विरोध किसानों ने किया तो जबरन उनकी जमीन पर कब्जा कर मिट्टी खनन कराते रहे। देखिए यह खास रिपोर्ट। पूरा मामला बिल्लौर तहसील के अंतर्गत महाराजपुर ग्राम सभा रिक्कीपुरवा का है, जहां पर गरीब किसानों की जमीन पर मिट्टी खनन करने का काम भूमाफिया कर रहे हैं। साथ ही साथ भूमाफिया आंखों में धूल झोंक कर परमिशन 1.5 हेक्टेयर की कराते हैं और खनन कराते हैं 5 हेक्टेयर में, जिसका विरोध सभी किसानों ने मजबूर होकर किया तो जबरन उनकी जमीन पर कब्जा कर मिट्टी खनन कराते रहे, जिसकी शिकायत चौबेपुर थाना प्रभारी व बिल्लौर SDM से की गई। SDM साहिबा ने किसानों की समस्या को सुनकर किसानों को अनुशासन देकर खनन बंद करा दिया, लेकिन 1-2 दिन बीत जाने के पश्चात खनन माफिया का फिर से सवेरा हो गया, फिर से खनन करने लगे, जिसकी शिकायत किसानों ने मिलकर चौबेपुर थाने में प्रशासन को की। तब थाना प्रभारी ने किसानों को गाली से नवाजने लगे। अब देखना ये होगा कि किसानों की समस्या का समाधान करने कोई आगे आएगा या फिर इसी प्रकार से किसानों को जमीन पर माफिया कब्जा कर मिट्टी खनन करने का काम करते रहेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज में हर्ष सिंह पत्रकार। आपको दिखा रहे हैं बिल्लौर तहसील के ग्राम मौजा महाराजपुर में जो मिट्टी खनन हो रहा है, जहां पर डंपरों को आए दिन ही रोका जाता है। प्रशासन के रोकने के बाद भी अगर मिट्टी खनन होता है तो इसका जिम्मेदार कौन होता है? मैं यहाँ के आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार से यहाँ पर मिट्टी खनन किया जाता है। यहाँ पे मिट्टी खनन के लिए अगर बताया जाए आपको, तो ग्रामीणों से ही हम डायरेक्ट बात कर रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, जिन्होंने मिट्टी अपनी बेची है। दादा आपका क्या नाम है? आपका यहाँ पे रकबा पड़ता है? 6 बीघा 14 बिस्वा साहब है। हाँ। तो हमारा छठा पूरा है। हाँ। और एक भाई वो है छठा पूरा है, उसे कोई भाई के गए तो भी पूरा है। और ये वो वाले जो खेत खुद रहा तो हमारा 9 बिस्वा खेत है। हम लोग भाई ने कहा एक पैसे से कोई मतलब नहीं, आपने मिट्टी नहीं बेची ना, पैसे मिट्टी जबरदस्ती आपने एप्लीकेशन कहीं लगाई? हाँ, गेरन थाने तो विदिन आए सोलमन। हाँ। तो हम तो ये बोले प्रधान जी काला खुद ही तो बारू काल लो जो उनका रखे। तो ये क्या प्रधान जी के द्वारा खुद दी जा? हाँ, प्रधान जी उनको नहीं, प्रधान जी खुदवा रहे हैं, उन खनन वाले खुदवा रहे हैं। दे दे ना तो आप ने मिट्टी नहीं? नहीं, हम नहीं बेची। क्या नाम है आपका? राम बाल। सवा भी बिघा राम बाल। तो आपने ये मिट्टी बेची है? हमारे 10 बिस्वा के पहले माले उठावे 5 सवा भी बिघा पौने 6 बीघा 6.5 बीघा है, पौने 7 बीघा रखवा है। वो मैया जो है मान लो 10 बिस्वा के हमसे कहा था नहीं उठा दे, अब वो आओ नहीं उठ रही है। हम तेल मट्टी वो सब आपने जो मिट्टी बेची, जिस खेत की मिट्टी बेची, उस खेत में खनन नहीं किया जा रहा है? नहीं, की नहीं गया। 5 बिस्वा में खनन किया गया। 10 बिस्वा हेलो, तो उसके बाद दूसरे खेत में भी मतलब हिस्सा है, बाकी मतलब विवाद दिन पानी रोके रोक दिन नहीं तो इसे हमें कौन नहीं तो सवा भी नहीं गांव। क्या विवाद हुआ है? पानी नहीं लिखा रहे दिन का थे लगा लगाओ लड़का बन गया भाई वो ये बात होती नहीं लग रही है पानी जिन भी के साथ। क्या मारपीट हुई? मारपीट हो तो थाने में या वो जो मारपीट हो इतना किसने मारा? प्रधान ने कुलारी मारा उनको मारे नहीं वो मारा प्रधान विदेश की। क्या नाम आपका? हमारा विथनेस यादव। क्या मामला हुआ था? मामला सर ये हुआ था कि खेत में पानी लगा रहे थे हमारे, तुमसे नहीं पट रही तो हम किसी से पानी ला सकते हैं? अब कोई जबरदस्ती है नहीं तो कहना की भोसले निकालोगे तो हमारे खेत से पानी लाओगे, बेलटूब से नहीं पानी नहीं निकाल पाओगे। तो हमको ठीक है तुम्हारे भाई गुंडाबाजी चल रही तो बोले कि विकास दुबे कहना वो तो कहना 4-6 मारा था और कहना हम जब मारेंगे 2-4 थाना खत्म हो जाएगा। वो कहना SP DIG और कहना पूरा कहना हमारा बंदा है और उसके बाद ऊपर कहना योगी बाबा तक कहना सब हमारा सिस्टम है। लड़ाई हुई हमारी देश पे पानी फिर हमारा खेत पड़ा है, हम मौके पे देखा आज तक पानी ला रहे थे फूल मेल में पड़ खिला रहे वो सामने दिखा काम फार्मर है वो पानी ला रहे पैर नहीं बिछाऊंगा एकदम फर मारे खेतों से निकाल सके तो पानी नहीं ला सकते बना खेत से। तो डंपर के लिए आप डंपर मालिक से बात निकला रहे जबर डंपर में तुम प्रधान तुम्हारे बगल डंपर खोल रहे हैं माटी
बंद करेंगे तो वही बात का अपने बंद नहीं करेंगे का भाई गुंडे ही बात चल रही है कुल मिला के दो हमको वो है वही कुछ आपके भाई के मतलब क्या चोटे आई कुलाल में भी सर सर में और सलम भरती है और 17 टाका लगे हम मौके पे देखिए हमारा दरोगा जी से बात हुई विवेचना तक में नहीं लिखी गई है भाई 50,000 थाने चले गए 50,000 चले गए हम वर्षा में विवेचना तक नहीं लिखी गई यशो साहब उस समय छुट्टी में थे 3 दिन के लिए विवेचना में दे गए थे उनको हल्का इंचार्ज 3 नंबर कौन देता है हल्का नंबर कौन देते हैं पटवारी नाम है उनका कह रहे कल आए हमको साहब विवेचना में लिखो 20,000 रुपए दो तब विवेचना लिखी जाएगी इसमें विवेचना कहा लिखी जाएगी पैसे किसने मांगे थे आपसे दरोगा जी जो है विवेचन ने हाँ आपने उसके बाद यशो साहब अब आए यहाँ यशो साहब तो अच्छे आदमी है यशो साहब से कोई उम्र नहीं बोला यशो साहब बोले ठीक है बेटा तो वही सुनी जाएंगे हम आए हैं और यशो साहब ने भेजा फोन करके घर से कि जाइए मौके पर देखिए और खड़े में क्या लड़ाई हो रही तो बोले कि साहब गए थे मौके पर कहा डम्पर बंद कराया चले और यहाँ से गए भाई 5,000 रुपये मिल गया उनका तो 5,000 रुपये का दे मैं यहाँ फिर कहाँ चालू करा ठीक है कल कोई सुनवाई नहीं हम कह रहे बालाजी मामा के लेके गए मामा हार बीमार रहे जवान लोग नींदी लड़ाई गए फिर दूसरे वालों दूसरे के पास छिपी थे लड़ाई नहीं हुई माटी नहीं मान लो जबरदस्ती उठाई गई गुंडई ने और हम गुंडा ने हम ये अने वो अने मान लो कोई लाइक विकास दुबे जो की नहीं विकास दुबे को मान लो हम बाप अने और उनके एक भतीज है उनका नाम आशीष है वो तो बहुत है भाई हमारे घर जुड़ा हुआ है बर्फीन दो चार आदमी गाँव ठहरे उनसे पूछ लेंगे उसको मारे हमें एक हाथ तोरे मारा है मेरे भाई मारे गिरा के मंटू मारे एक बार राहुल को मारे और पंप पर दिनेश पंप वाला है तो आप ले चलो ये रिकॉर्ड वही सुना देंगे चला तो मारे बिलाई मारे कुल गुंडई राज ये की विकास दुबे छह मारे हम मरी में विचार थाना खत्म हुई जी बिल्कुल कहना तुम्हारे दया करें योगी बाबा बचाए हम भाई बीजेपी वाले सतह आ गए जितेंद्र वर्मा है उसके साथ हम चलते हैं साहब वहाँ बीजेपी वाले से 5,000 रुपए हमको महीने में दे आते हैं। इंडियन प्राइम न्यूज से संवाददाता हर्षित सिंह की रिपोर्ट।